हेलो दोस्तों, डिकेलियो फैक्ट्स टीवी में आपका स्वागत है। सर्दी का मौसम शुरू हो गया है और साथ ही शादियों का सीजन भी चल रहा है, तो ऐसे में शादी के बाद की पहली प्लानिंग यही होती है कि हनीमून के लिए कहाँ जाएं। और जब सर्दियों का मौसम हो तो एक अच्छी जगह पर वेकेशन पर जाना बेस्ट ऑप्शन है। कई कपल्स तो शादी के पहले ही इसकी प्लानिंग कर लेते हैं, कुछ तो शादी होने के बाद ये डिसाइड करते हैं। ठंडे मौसम में खूबसूरत जगह पर घूमने जाने का मजा ही कुछ और है, जहां एक तरफ हिल स्टेशन बर्फ की सफेद चादर ओढ़ लेते हैं, वहीं पर दूसरी तरफ नॉर्थ ईस्ट और साउथ इंडिया में भी मौसम बेहद दिलचस्प हो जाता है और घूमने के शौकीन लोगों को बस इसी मौके का इंतजार होता है। हर एक कपल्स इस समय का इंतजार करते हैं और इस ब्यूटीफुल मोमेंट्स को एंजॉय करने के लिए किसी अच्छे और बेहतरीन टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर निकल पड़ते हैं। अगर आप भी इस समय अपने हनीमून ट्रिप की प्लानिंग कर रहे हैं, तो हम इस वीडियो में आपको इंडिया के मोस्ट फेवरेट और ब्यूटीफुल हनीमून स्पॉट के बारे में बताने जा रहे हैं। यहाँ कपल हनीमून पीरियड को खूब एंजॉय करते हैं, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। और इस चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर ही कर लीजिए। दोस्तों, हनीमून को परफेक्ट बनाने के लिए सबसे खूबसूरत जगह पर जाना रिलेशनशिप को और भी मजबूत और हनीमून को बहुत यादगार बनाता है। दिसंबर के महीने में देश के अलग अलग हिल स्टेशन पर स्नोफॉल शुरू हो जाती है, जो हनीमून कपल के साथ साथ फैमिली ग्रुप और फ्रेंड्स सभी को बड़ी संख्या में अपनी ओर आकर्षित करती है। देखा जाए तो दिसंबर का महीना भारत में घूमने के लिए सबसे अच्छे महीनों में से एक है, क्योंकि इस समय भारत के अधिकांश टूरिस्ट प्लेस अपने खूबसूरत रूप में होते हैं, इसलिए इस समय को पीक सीजन भी कहा जा सकता है। तो आइए चलिए जानते हैं इस बेहद खूबसूरत मौसम में हनीमून के लिए इंडिया में कहां कहां घूमने जाया जा सकता है। दोस्तों, बेस्ट और टॉप हनीमून डेस्टिनेशन में सबसे पहले नाम जो आता है वो है मनाली। मोस्ट फेमस मनाली इंडिया के हनीमून प्लेसेस के लिस्ट में सबसे पहली पसंद मानी जाती है। यह टूरिस्ट डेस्टिनेशन हनीमून कपल के साथ साथ फैमिली वेकेशन, ग्रुप टूर और फ्रेंड्स के साथ एडवेंचर ट्रिप के लिए भी एक बेहतरीन टूरिस्ट स्पॉट है। यह जगह स्नोफॉल एंजॉय करने के लिए हर प्रकार के लोगों के फेवरेट प्लेस है। मनाली में रोहतांग पास, सोलंग वैली, नगर कैसल और हिडिम्बा मंदिर सहित मणिकरण, गुलावा और जोगनी वाटरफॉल सहित मॉल रोड आदि घूमने लायक जगह है। यहाँ इंडिया के अलग अलग राज्यों से लोग सर्दियों के सीजन में छुट्टी मनाने, स्नोफॉल देखने, ट्रैकिंग, रिवर राफ्टिंग और पैराग्लाइडिंग के लिए भी आते हैं। नंबर टू, शिमला। पहाड़ों की रानी शिमला हनीमून कपल के लिए बहुत ही शानदार प्लेस है। यहाँ जाने के लिए कोई फिक्स समय नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर साल भर मौसम अच्छा रहता है, इसलिए आप यहाँ कभी भी आ सकते हैं। शिमला में आपको एकदम अलग एक्सपीरियंस मिलेंगे, जहाँ आपको अपने पार्टनर के साथ यहाँ मॉल रोड की वॉक अमेजिंग एक्सपीरियंस का फील कराएगी। शिमला में आप खोपड़ी, जाखू टेम्पल, मॉल रोड, रिज फॉरेस्ट, म्यूजियम आदि जैसे टूरिस्ट स्पॉट देखने को मिलेंगे। विंटर सीजन में स्नोफॉल एंजॉय करने आप यहाँ पर नवंबर मंथ से लेकर फरवरी मंथ तक घूमने आ सकते हैं। नंबर थ्री, गोवा। गोवा इंडिया का एक ऐसा हनीमून स्पॉट है जो अपने चार्मिंग बीचेज, नाइट लाइफ, वाटर स्पोर्ट्स और सी फूड के लिए जाना जाता है। शादी के बाद गोवा की ट्रिप आपको एक अमेजिंग एक्सपीरियंस दे सकती है। गोवा में अगर बीच की बात करें तो कलंगुट बीच, अंजुना बीच, बागा बीच, बागा टू बीच, सिंकेरियन बीच और पलोलम बीच कपल्स की पहली चॉइस होती है। गोवा ट्रिप के लिए सबसे अच्छा समय दिसंबर से मार्च का होता है, लेकिन विशेष रूप से दिसंबर में यहाँ क्रिसमस और न्यू ईयर बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, इसलिए यहाँ काफी अच्छी संख्या में टूरिस्ट भी आते हैं। नंबर फोर, दार्जिलिंग। दार्जिलिंग अपने खूबसूरत गार्डन और टॉय ट्रेन के लिए काफी फेमस है और साथ ही यह एक हनीमून डेस्टिनेशन भी है। दार्जिलिंग को द क्वीन ऑफ हिल्स के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ आप चाय के बगानों और देवदार के जंगलों सहित टाइगर हिल्स, वसातिया लूप, धूम मॉनेस्ट्री, मॉल रोड और जूलॉजिकल पार्क आदि जगहों को कवर कर सकते हैं। मौसम साफ रहने पर आपको यहाँ से वर्ल्ड की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट भी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा यहाँ की टॉय ट्रेन राइड यहाँ का एक खास आकर्षण है। नंबर फाइव, मुन्नार। मुन्नार केरल राज्य के वेस्टर्न घाट में स्थित प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों में से एक पॉपुलर हनीमून डेस्टिनेशन भी है, जहां पर आप कई तरह के आकर्षक स्पॉट की सैर कर सकते हैं। यह एक खूबसूरत टूरिस्ट प्लेस भी है,
जहाँ पर आप प्रकृति के बीच पीसफुल टाइम बिता सकते हैं। यहाँ आप चाय के बगान, लस ग्रीन माउंटेन, नदियाँ और अन्य पर्यटन स्थलों की यात्रा कर सकते हैं, जो आपके हनीमून टूर को यादगार बना देंगे। यहाँ हरी चाय के बगान पहाड़ों की ढलान पर काफी दूर क्षेत्र तक फैले हैं। यदि आप खूबसूरत और शांत वातावरण की तलाश कर रहे हैं तो मुन्नार का इको पॉइंट इसके लिए एक बेहतरीन चॉइस है। नंबर 6, उदयपुर। उदयपुर राजस्थान में स्थित इंडिया का वर्ल्ड फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, जिसे झीलों का शहर के रूप में भी जाना जाता है। अगर आप हनीमून के लिए एक रॉयल वेकेशन के लिए जाना चाहते हैं तो इसके लिए उदयपुर सबसे परफेक्ट जगह है। यह जगह आपको राजस्थानी कल्चर, अपने शाही महलों और झीलों की वजह से यह हनीमून मनाने की एक पॉपुलर डेस्टिनेशन बन जाती है। यह चारों ओर से सुंदर अरावली पर्वतों से घिरा हुआ है, जो इसे एक खूबसूरत और आकर्षक पर्यटन स्थल बनाता है। यहाँ पर राजशाही किलों में ऐतिहासिक विरासत और संस्कृति भी देखी जा सकती है। नंबर 7, श्रीनगर। यह जगह मनाली और शिमला जैसे भीड़ वाले टूरिस्ट प्लेस से बिल्कुल अलग और सबसे खूबसूरत है। श्रीनगर में आपको लेक टेम्पल और बहुत सारे गार्डन देखने को मिलेंगे। आप दिन की शुरुआत शंकराचार्य मंदिर से शुरू कर शालीमार बाग, वुलर लेक, मुगल गार्डन, टूलिप गार्डन, बॉटेनिकल गार्डन और निशांत बाग आदि को कवर कर सकते हैं। यहाँ का मेन अट्रैक्शन डल झील है। न्यू एक्सपीरियंस के लिए आप डल लेक पर तैर रहे हाउस बोट में स्टे भी कर सकते हैं, जिसमें कश्मीर के कल्चर को नजदीक से फील कर सकते हैं। नंबर 8, लक्षद्वीप। लक्षद्वीप भारत का केंद्र शासित प्रदेश और एक बेहद ही खूबसूरत आइलैंड भी है, जहाँ जाने का सपना हर एक कपल का होता है। हनीमून के लिए यह एक बेस्ट प्लेस है। यह केरल के समुद्र तल से लगभग 300 किलोमीटर की दूरी पर है। लक्षद्वीप में आप अलग अलग प्रकार के पॉपुलर द्वीपों को विजिट कर सकते हैं। यहाँ के बीचेस के नज़ारे बेहद ही शानदार होते हैं। नंबर 9, ओली। उत्तराखंड राज्य का एक खूबसूरत पर्यटन स्थल है, जो देश भर से एडवेंचर लवर को अपनी ओर आकर्षित करती है। ओली अपने खूबसूरत नज़ारों और एडवेंचर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज के लिए एक फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में जाना जाता है। ओली में सबसे लंबी केबल कार सवारी है, जो गुलमर्ग के बाद एशिया की दूसरी सबसे ऊंची गोंडोला राइड है। यह रोप वे आपको ऊंचाई से ओली की बर्फ से ढकी चोटियों और खूबसूरत वादियों का दर्शन करा देंगे। नंबर 10, डलहौजी। डलहौजी अपने नेचुरल ब्यूटी, ग्रीन फील्ड और अपने ब्रिटिश काल के दृश्य के लिए प्रसिद्ध है। डलहौजी एक टूरिस्ट प्लेस की कैटेगरी में आता है, जहां पूरे साल किसी भी समय पर घूमने जाया जा सकता है। डलहौजी से 22 किलोमीटर की दूरी पर स्थित खजिहार मिनी स्विट्जरलैंड व मिनी गुलबर्ग के नाम से जाना जाता है, जो बेहद ही खूबसूरत लगता है। डलहौजी में आप खजिहार सहित सतिहारा वाटरफॉल, रॉक गार्डन, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, चमेला झील, पंचकुला और सिंगिंग हिल यानी डेंकुल पीक, इन सभी जगहों को विजिट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे इंडिया के मोस्ट फेमस और पॉपुलर हनीमून प्लेसेस, जहां आप अपना हनीमून ट्रिप प्लान कर सकते हैं।